तो सरोजनी नगर मार्केट के बाद हम लोग आ गए हैं मदनगिर मार्केट, जो काफी प्यारा काफी सुंदर मार्केट है। यहाँ का मार्केट हमें काफी अच्छा लगता है। लहंगा रखे हुए हैं, ये सब तो सारे रखी हुई पहन लो, अगर ऐसा पहना टिकटो से लेकर ना पहन लो। कितना साड़ी खुद ही रखी उसी में से पहन लो। ये भी ब्लाउज की शॉट तो हम लोग आए हैं मार्केट में और यहाँ लगा हुआ है भंडारा और लाइन में लगे हुए हैं। ये देखो सोनाक्षी भी लाइन में लगी हुई है, ऋषभ कहाँ लाइन में लगा हुआ है, ऋषभ देखो लाइन में लगा हुआ है भंडारा का प्रसाद खाने के लिए। तो ये देखो सब भंडारे का प्रसाद यहाँ पे खा रहे हैं, इधर मिल रहा है तो हमसे हम भी ले लेते हैं। तो यहाँ मिल गया हम लोगों का भंडारे में हलुआ, दिखा दो सोनाक्षी। और ऋषभ देखो पीछे अकेले कहा गया, ऋषभ या देखो ऋषभ लेके भाग बंडा गिर जाओगे। कैसे में देखना ये बताओ। अरे अभी ले ली तो लहंगा क्या करेंगे, ले लिए एक हमको ये वाला साड़ी दिखा दे, देखो मिस करके ले गई हूं। हां इसी कलर का ले गए हैं, दिखा रहे थे हर कलर का साड़ी पहन चुकी हूं। A few moments later. तो वंदना जी ने लगा दिया यहाँ पे पास्ता मजेदार, और जब से ये प्लेट लाई है तो उसे नाश्ते में नाश्ता खिला रही है। सुबह हो गया है, ये सब अपना मैगी लपेटे पड़ा हुआ है उधर क्योंकि वो पास्ता नहीं खाएगा। चड्डी कहाँ पहनता, वो स्कूल जाता तभी पहनता है, उसका ऐसे ही दिखता है। तो यहाँ गरबा गरम चाय पास्ता, दो दिन एक दिन ना हो आधा घंटा। हम सोनाक्षी खाए थे, सोनाक्षी हम बहुत खाए थे, हमको अच्छा लगा था उस दिन का। खाओगे क्या ऋषभ? 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है। तो वंदना जी सबको चाय नाश्ता कराने के बाद अपना बर्तन वर्तन जो है किचन की साफ सफाई कर रही है, और मम्मी का जाने का मन नहीं है। मम्मी कह रही रुक जाते हैं, सुबह जाते हैं ना मम्मी। मम्मी भी उल्टा स्वेटर पहन ली है, वंदना जी का असर पड़ गया मम्मी के ऊपर। तो इन लोगों को भी बोल रहे हैं कि रुक जाओ सुबह जाएंगे, सुबह छोड़ दूंगा, लेकिन कह रहे नहीं अभी जाएंगे, रुक जाओ सुबह जाना। अरे इतना ट्रैफिक है कि रोड पे चलो, ट्रैफिक कम नहीं होगा, 10 बजे तक रहेगा ही ट्रैफिक। चलो तब निकलो फटाफट, जाना है तो पूछ लेंगे। एक दिन ब्लॉग डाला था, मम्मी मुझसे बिना मिले चली गई, लेकिन उसके दूसरे दिन देखिए किस्मत, मम्मी वापिस आ गई घर। यानी हमने दिल से याद किया था इसलिए मम्मी वापिस आ गई और मिलके फिर वापिस जा रही, और रोकते भी, लेकिन क्या करें उनको अगर प्रॉब्लम नहीं, रोक भी रहे कि सुबह जाओ। ठंडी लग रहा है, चलोगी क्या? चलो सब उठा उठा के जूता ले। लगा चलो उतरम धीरे धीरे उतरम रोज मिलना जुलना तो होता रहता है। क्या परसों कह रहे फिर कल आएगी, विदाई का टाइम आ गया है सबकी आंखें, हमारी दूर जा रहा है। बाय, मिलते हैं। चलो मम्मी देखो ये सब सोनाक्षी को विदाई दे के जा रही, मना कर रहे मत दो, जबरदस्ती दे रहे हैं। जब जाए लगा तो खाई, शाम का टाइम हो गया है, घड़ी बज गए हैं, सब अच्छा हो गए होंगे ना हम लोग, और चलते हैं हम लोग। बाय सोनाक्षी, 5:45 हो गए हैं, पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। तो हम पहुंच गए हैं और इधर छोड़ दिए हमने सबको और सामान रखवा देते हैं। जा आराम से, नहीं जा रहे हैं,
तो छोड़ दिए हम निकलते हैं, और क्योंकि हमें जाने में भी टाइम लगेगा। कह रहे चाय पानी पी लो, कह नहीं हम जा रहे हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। जो किस्मत में होता है वही होता है। मैं नहीं जाना चाहता था लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि किट्टो का कैब जो है कार में ही रह गया, तो अब मुझे ऊपर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग चले गए। किट्टो पी यही रह गया। अभी देखो सारा सामान यही पड़ा है, टोपी रह गया उसी में। मम्मी लोग दूसरे के यहाँ देखते हैं, तो मम्मी लोग यहाँ बैठी है, तो टोपी छूट गया तो माए की पीछे चेक कर लिया हमका, देखे कुछ अच्छा देखे तो थोड़ा देख भी लेते हैं। अच्छा हमारी किस्मत में लिखा था कहीं खाना, मम्मी भी खा रही है इधर इधर देख सकते हैं सब लोग चले जाते तो हमारे नसीब में नहीं रहता। अभी साला ऐसा सोचते क्या क्या चीजें करवानी है। तो जाते जाते मैं रुक गया हूँ, और यहाँ पे मेरा चाय नाश्ता भी हो गया, मेरी किस्मत में था कहते नहीं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो मेरा चाय और उसके साथ मैंने खा लिया है, और मम्मी बैठी हुई है। तब चलते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा रुकेंगे, मेरे लिए प्रॉब्लम है, फिर लेट पहुँचूंगा, वहाँ पे सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो चलूँ मम्मी मैं The next day. तो आप लोगों को दिखाते हैं, ये दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है, और काफी प्यारा काफी खूबसूरत है। जो दिल्ली में रहते हैं वो जरूर देखे होंगे, और जो दिल्ली से बाहर है तो उनको हम दिखा देते हैं। तो देखिए A few moments later. तो मैं घर पे आ गया हूँ, बैग भी टांग नहीं रखा, वो भी अंदर नहीं गया सीधा किचन में। ओए होए क्या बनना जी, क्या था हल्का मचा रखी हो, क्या ले जाओ क्या पहनो, ये देख रहे हो ये घर है कि कूड़ा घर है पूरा। ऋषभ देखो, ओए होए 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 क्या कर रही हो, पैकिंग कर रही है। किसका पैकिंग, अभी इन्हीं लोग का हुआ है, और कपड़ा रख रहे जो बैग खाली किए हैं। कह रहे हैं सुबह से लगे हुए हैं, अब कुछ की नहीं हो क्या, सुबह से लगी हो तो इन लोग का हो गया है। अच्छा ऋषभ कह रहा मम्मी की मदद नहीं कर रहे हो, आगे बस बैठ गए ना, क्या कह रहे थे बोलो, तुम्हारे मुंह से अच्छा लगता है। मम्मी के लिए काम कर दिया, तुम क्यों नहीं काम कर रहे, हम भी तो अभी अभी आए ड्यूटी से काम करके। तो सोनाक्षी गई है मेरे लिए पानी लेने में, मम्मी कब से लगी हुई है, तो क्या हुआ, हम भी तो सुबह से गए लगे हुए हैं काम पे, ये तुम्हारी मम्मी का काम है, हमारा जो काम था हम करके आ गए। क्यों छड़ते रहते हो इतना, बच्चे हैं स्ट्रांग है तो छड़ेंगे, देखो ये मैं कपड़ा खरीद के लाया था, वंदना जी ने पता नहीं कहाँ गुम कर दिया एक जींस, और क्या था, कुर्ता, एक कुर्ता और पैजामा, और इतना खोजा कहीं नहीं मिला, इसीलिए मैं कपड़ा खरीदने का मन नहीं करता, कहीं मेरा सॉक्स खो देंगी, कहीं चड्डी गंजी खो देंगी, कुर्ता पैजामा खो देंगी, अभी एक जींस खो गया है नहीं मिल रहा है, और ये कुर्ता कपड़ा ढेर सारा, तो इस कलर का कुर्ता था, और आप लोग कहीं देखे होंगे तो जरूर बताइएगा। तो वंदना जी कह रहे कहीं देखे हो, कहाँ देखे होंगे, ससुराल अपना घर और दिल्ली सब एक कर दिया, कहीं नहीं मिला, सबसे पूछ लिया कहीं नहीं मिला। तो वंदना जी छींकने वाली है, तो अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, बाय बाय।